हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मझगांव डॉकयार्ड शेयर के ऊपर। शेयर में अगर हम लोग देखेंगे तो आज बहुत ही ज़बरदस्त उछाल इस स्टॉक में देखने को मिला, तो इन डिटेल में हम लोग यहां पर बात करेंगे इस स्टॉक में क्यों उछाल आ रहा है और हम लोगों का आगे क्या प्लान होना चाहिए। आप लोग जो है वीडियो को ध्यान से देखिएगा, और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बिल क्लिक करके ऑल को भी सेलेक्ट कर लीजिए। इसके साथ ही अगर आप लोगों ने अभी तक अपना इंडिया के बेस्ट डिस्काउंट ब्रोकर के साथ अकाउंट नहीं ओपन किया है, डीमैट अकाउंट नहीं ओपन किया है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उस लिंक के थ्रू जाके अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। तो चलिए अब जो है हम लोग एनालिसिस में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मझगांव डॉकयार्ड शेयर के ऊपर। अगर इस स्टॉक में हम लोग देखेंगे तो आज इस स्टॉक में 14.6% का हम लोगों को जबरदस्त उछाल देखने को मिला। मार्केट में सेलिंग प्रेशर जरूर देखने को मिल रहा था, लेकिन इस स्टॉक में कंटिन्यूसली हम लोगों को एक अच्छा अप ट्रेंड देखने को यहां पे मिल रहा था। तो चलिए अब अगर यहां पे बात करेंगे तो 93 पॉइंट के गेन के साथ स्टॉक जो है 731 रुपीज पे आपको क्लोज हुआ है। मॉर्निंग सेशन से ही बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिला, फर्स्ट हाफ में आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिला 11 AM तक, उसके बाद कंटिन्यूसली फ्लैट रहा, फिर आपको लास्ट में एक बहुत ही ज़बरदस्त हम लोगों को मोमेंटम देखने को मिला। अगर इस स्टॉक में हम लोग बात करेंगे तो वन मंथ में स्टॉक तकरीबन 42.5% का गेन किया है इस स्टॉक ने, और वन मंथ के हाई पे कंटिन्यूसली हम लोगों को ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। वन ईयर की अगर बात करेंगे तो वन ईयर में स्टॉक ने 147% का रिटर्न दिया है, और यहाँ पे अगर हम लोग मैक्सिमम रिटर्न की बात करेंगे तो स्टॉक जो है 335% का रिटर्न दिया है, यानी कि आपको 3 times से भी ज़्यादा का रिटर्न जो है इस स्टॉक ने लास्ट के 2 ईयर में यहाँ पे बना के दिया है। तो चलिए अब जो है टेक्निकली देखते हैं स्टॉक में क्या हो रहा है। अगर यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो टेक्निकली स्टॉक में एक ब्रेकआउट आया है, और ये ब्रेकआउट आपको एक अच्छे कंसोलिडेशन लेवल के बाद आया है। यहाँ पे अगर इस स्टॉक के ऊपर बात करेंगे तो इस स्टॉक का रिजल्ट जो है वो आपको 10th November को है, और यहाँ पे स्ट्रीट जो है ये आपको एस्टिमेट कर रहा है जो आपको बहुत ही स्ट्रांग रिजल्ट होने वाला है मझगांव डॉकयार्ड का। तो इसी वजह से जो है यहाँ पे हम लोगों को एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। टेक्निकली अगर देखेंगे तो स्टॉक आपको काफ़ी एक नैरो रेंज में ट्रेड कर रहा था, 600 से भी ऊपर। अगर यहाँ पे हम लोग बात करेंगे तो स्टॉक जो है नीचे की साइड 610 और ऊपर की साइड 660, इस 50 पॉइंट के रेंज में यहाँ पे लास्ट वन मंथ से ट्रेड कर रहा था। एक बार के लिए यहाँ पे ब्रेकडाउन देने की जरूर कोशिश किया था, बट अगेन यहाँ पे हम लोगों को वापस से इस स्टॉक में रिकवरी देखने को मिला, और उसके बाद फाइनली आज जो है यहाँ पे बहुत ही स्ट्रांग ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो स्टॉक जो है अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ पे एक बात मैं जरूर बोलूंगा, जो यहाँ पे अगर देखेंगे तो कंटिन्यूसली प्रीवियस 4 months से यहाँ पे आपको बहुत ही स्ट्रांग मोमेंटम दिख रहा है, और लास्ट 4 months में स्टॉक जो है यहाँ पे मोर देन 100% का रिटर्न ऑलरेडी दे चुका है। तो अगर आपका व्यू लंबे समय के लिए, तो अभी आपको वेट करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी आपको बहुत ज़बरदस्त रैली हो चुका है, तो यहाँ पे एक पुलबैक पेंडिंग है, और यहाँ पे रिजल्ट के बाद हम लोगों को एक पुलबैक देखने को मिल सकता है। रिजल्ट से पहली रैली स्टार्ट हो चुका है, तो रिजल्ट के बाद जो है यहाँ पे हम लोगों को एक पुलबैक देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे, स्टॉक कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में है, बट यहाँ पे बहुत ही 90 degree पे मूवमेंट हुआ है मंथली चार्ट में, तो यहाँ पे एक रिटर्न जो है रिट्रेसमेंट हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे आपका टाइम हॉरिजन थोड़ा लंबा समय के लिए है तो आप यहाँ पे अभी फुल क्वांटिटी में आपको एंट्री नहीं करना है। शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे आप बिल्कुल एंट्री कर सकते हैं। नीचे की साइड जो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए यहाँ पे 610 का, तो यहाँ पे जो है तकरीबन 120 पॉइंट का आपका SL है, अभी भी आपका दूर SL है। आपका जो आइडियल एंट्री पॉइंट था वो 660-670 के अराउंड था, तो यहाँ पे या तो हम लोग थोड़ा सा रिट्रेसमेंट का डेली चार्ट में वेट कर सकते हैं, या फिर जो है आप थोड़ा क्वांटिटी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अगर यहाँ पे 1-2 दिन टाइम स्पेंड करता है या थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आता है, उसके बाद हम लोग एंट्री कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए आप डेली चार्ट पर एंट्री कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री करना है, 1-2 साल के लिए आपको होल्ड करना है, तो आप वेट कीजिए, आपको रिट्रेसमेंट मिलेगा, उसके बाद आपको एंट्री करना है।
अगर आप रेगुलरली नहीं ट्रैक कर सकते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जब भी हम लोग यहाँ पे आपको अपडेट करेंगे। आई होप आप लोगों को सभी लॉजिक जो क्लियर हो गए होंगे, सभी लेवल्स आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।